हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैडम राइट्स द बस चैप्टर का अध्ययन वर्तमान में कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट टू है। इससे पहले हमने पार्ट वन का अध्ययन कर चुके हैं और उसमें हमने जाना कि एक लड़की है बल्ली, जो कि बस से यात्रा करने के लिए बहुत उत्साहित है। वो बस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करती है और अपना किराया इकट्ठा करने के बाद वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बस में बैठ भी जाती है। बस में बैठे बैठे वो कंडक्टर उससे मजाक करता है, कई सारी बातें उसको कहता है और अंत में वो जब बाहर का दृश्य देख रही होती है खड़ी होकर के, तो एक व्यक्ति उसको कहता है कि तुम बैठ जाओ और तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब ये पार्ट टू यहां से हम लोग शुरू करेंगे। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। सिटिंग डाउन नीचे बैठकर, जैसे ही उसने किसी ने कहा उससे कि तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, तो उस आवाज के साथ ही वो नीचे बैठ गई। तो नीचे बैठकर सी लुक्ड, उसने देखा, टू सी देखने के लिए, हु हैड स्पोकन, किसने बोला है। तो नीचे बैठकर उसने देखा कि ये देखने के लिए कि बोला किसने है, जिस उसने केवल आवाज सुनी थी वो बैठ गई और उसके बाद ये देखने के लिए कि ये किसने बोला उसने उसी तरफ देखा। क्या हुआ? इट वॉज एन एल्डरली मैन। इट वॉज, ये था एन एल्डरली मैन, एक बड़ा सा आदमी, हु हैड ऑनेस्टली, जो ईमानदारी से, वीन हैड मीन मतलब दिख रहा था, लग रहा था, कंसर्न मीन्स चिंतित, फॉर हर, उसके लिए। वट, लेकिन, सी वॉज एनॉयड, वो नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, वाई हिज अटेंशन, उसके वाई हिज उसके अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देने से है, तो चूंकि उसको ध्यान दे रहा था तो ये उसने देखा कि एक बड़ा सा आदमी था जो ईमानदारी पूर्ण तरीके से उसके लिए चिंतित दिख रहा था, मतलब वास्तव में उसके लिए चिंतित दिख रहा था कि खड़ी होने पर इसके चोट लग सकती है, गिर सकती है, लेकिन वह उसके ध्यान देने के कारण गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, मतलब वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको ध्यान दे, वो कोई उसको रोके टोके। देयर इज नो बडी हेयर हु इज ए चाइल्ड। देयर इज नो बडी, यहाँ देयर इज नहीं है, नो बडी नहीं, कोई भी नहीं है, हेयर यहाँ, हु इज ए चाइल्ड, जो बच्चा हो, मतलब यहाँ बच्चा कोई नहीं है। सी सैड, उसने कहा हॉटली, हॉटली मतलब गर्वोक्ति रूप से, गर्व से है, तो उसने गर्व से कहा, क्या कहा, कि यहाँ बच्चा कोई नहीं है। आई हैव पेड, मैंने चुका दिया है, माई 30 पैसे, मेरे 30 पैसे, लाइक एवरीवन, लाइक जैसे कि एवरीवन प्रत्येक, एल्स दूसरे ने, तो मैंने प्रत्येक व्यक्ति की तरह 30 पैसे चुका दिए हैं, मतलब जो बस का किराया था वो 30 पैसे था, तो उसने कहा कि मैंने भी सबकी तरह अपने 30 पैसे चुका दिए हैं, तो यहाँ बच्चा कोई नहीं है, बच्चा मत कहो, मैंने पूरा पैसा किराया दिया है, मतलब ये है। फिर द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर ने चाइम्ड इन मतलब दखल दिया, कंडक्टर ने इसमें दखल दिया, जो दोनों की बात चल रही थी उसमें बीच में उसने कुछ बोला। क्या बोला? ओ सर, अरे श्रीमान जी, वट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। वट, लेकिन, दिस इज ए, ये है, वेरी बहुत, ग्रोन अप बड़ी मैडम, मैडम मतलब, अरे श्रीमान जी, लेकिन ये बहुत बड़ी मैडम है, जैसे उसने कहा था ना कि बच्ची बैठ जाओ तो तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसने देखा कौन बोल रहा है, तो लगा तो कि ईमानदारी पूर्ण तरीके से ये चिंतित है, लेकिन वो उसके ध्यान देने से बड़ा गुस्सा हो गई, उसने कहा बच्ची मत बोलो, यहाँ कोई बच्ची नहीं है, तो मैंने भी सबकी तरह अपने 30 पैसे दिए हैं, तो कंडक्टर ने बीच में दखल दिया, श्रीमान जी लेकिन यहाँ ये तो बहुत बड़ी मैडम है, मतलब ये बच्ची नहीं है, ये तो बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ए मेयर केवल गर्ल कुड, एक लड़की पे चुका सकती हो, हर ऑन फेयर, अपना किराया एंड ट्रेवल, और यात्रा कर सके टू द सिटी, शहर की, ऑल एलोन, अकेली। क्या आपको, आप ये सोचते हैं कि एक लड़की
केवल एक लड़की अपना किराया देकर शहर का शहर की यात्रा कर सकती हो अकेली, वो भी मतलब आपको लगता है कि कोई लड़की, कोई छोटी लड़की अपना किराया दे और अकेली शहर की यात्रा कराए। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। बल्ली ने शॉट डाली एन एंग्री, एंग्री मतलब गुस्से वाली ग्लांस, नजर एट द कंडक्टर, कंडक्टर पर, एंड सैड, और बोली। बल्ली ने कंडक्टर पर एक गुस्से वाली क्रोधित नजर डाली और बोली, आई एम नॉट ए मैडम, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर, प्लीज कृपया रिमेंबर, याद रखिए दैट की एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई गिवन मी माई टिकट, यू हैव नॉट, तुमने नहीं दिया है येट, अभी गिवन दिया है मी, मुझे माई टिकट, मेरा टिकट। तो अब जब कंडक्टर ने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ी मैडम है, तो उसने कहा, उसने गुस्से से कंडक्टर को देखा, बोली, मैं मैडम नहीं हूं, और याद रखो कि तुमने मुझे अभी टिकट नहीं दिया है। तो वो कहता है, आई विल रिमेंबर, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा, द कंडक्टर सैड, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग, मिमिकिंग मतलब नकल उतारते हुए, जैसे एक शब्द सुना होगा कहीं टीवी वगैरह में, मिमिक्री, मिमिक्री मतलब किसी दूसरे की नकल उतारना। तो मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज की नकल उतारते हुए कंडक्टर ने कहा, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। एवरीवन, प्रत्येक लाफ्ड, हंस पड़ा, हंसा, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, बल्ली टू, बल्ली भी ज्वाइंट, जुड़ गई इन द लाफ्टर, हंसी में, प्रत्येक इस पर हंसा, और धीरे धीरे बल्ली भी इस हंसी में जुड़ गई, शामिल हो गई, यानी वो भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर ने पंच काटी ए टिकट, एक टिकट, एंड हैंडेड इट, और इसको थमा दिया, टू हर, उसको, कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको थमा दिया। जस्ट सिट बैक, जस्ट सिट बैक, बैठ जाओ, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, एंड मेक योर सेल्फ, स्वयं को करो, बनाओ कंफर्टेबल, आरामदायक, मतलब बैठ जाओ और स्वयं को आराम दो, यानी आराम करो। Why should you stand? Why should, क्यों, should चाहिए you, तुम्हें stand, खड़े होना, when, जब, you have paid, तुमने चुकाया है, for a seat, एक seat का पैसा, तुम्हें खड़े होना क्यों चाहिए, जब तुमने seat के पैसे दिए हैं, हाँ, तो खड़े ना हो, because, क्योंकि I want to, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मतलब I want to, क्या जो बात चल रही है उसके बाद आगे बात छोड़ दिया, इसका मतलब आगे की बात वही पिछले वाले सेंटेंस से हम ले लेंगे। बिकॉज आई वॉन्ट टू, टू का मतलब बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टैंड अप, है ना, क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, पूरा अर्थ ये निकलेगा। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, स्टैंडिंग अप अगेन, स्टैंडिंग अप खड़े होकर, अगेन फिर से, उसने फिर से खड़े होकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ। हाँ, उसने कहा था ना कि तुम्हें खड़े होना क्यों चाहिए, क्योंकि जबकि तुमने पूरी सीट के पैसा दिए हैं। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, बट लेकिन यदि, इफ, यदि यू स्टैंड, तुम खड़ी होगी ऑन द सीट, सीट पर, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को हानि पहुंचा सकती हो, चोट मार सकती हो, लेकिन यदि तुम खड़ी हो, सीट पर खड़ी होगी, तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट मार सकती हो। व्हेन, जब, द बस मेक्स, बस मेक्स, ले, मेक्स माने बनाए, ए शार्प टर्न, शार्प मतलब तीव्र टर्न, मोड़, एक तेज मोड़ ले, और या हिट से बम्प, हिट्स, हिट्स मतलब, हिट माने मारना होता है, ए बम्प माने गड्ढा, है ना, गड्ढे पे मारना मतलब गड्ढे से गुजरे। तो उसने कहा कि तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट मार सकती हो, कब, जब ये गाड़ी, जब ये बस कोई तीव्र मोड़ पे मुड़े या किसी गड्ढे से गुजरे, मतलब तभी झटके लगते हैं, और झटके में मतलब खड़ा हुआ आदमी कुछ पकड़ेगा नहीं तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। दैट्स व्हाई, दैट्स वाई, वाई मतलब क्यों होता है, वैसे दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण है कि, वी वॉन्ट यू, हम, वी, हम वॉन्ट, चाहते हैं यू, तुम, टू सिट डाउन, बैठ जाओ, चाइल्ड, बच्ची, दैट्स वाई, यही कारण है
कि हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। फिर अब क्या हुआ, आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, टेल मीन्स बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बताती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, सी सैड इरिटेबली, इरिटेबली मतलब चीख कर, उसने चीख कर कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम एट ईयर्स ओल्ड, आई एम, मैं हूँ एट ईयर्स, आठ साल ओल्ड, आठ साल की, हाँ मैं आठ साल की हूँ, मैं बच्चे नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वास्तव में, वास्तव में, हाँ मतलब हाँ, सच में, सच में। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ, कितना स्टूपिड, मूर्ख ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ, है ना, मैं कितना मूर्ख हूँ, वास्तव में तुम बच्ची नहीं हो। एट ईयर्स मतलब उसने मजाक के रूप में कहा, एट ईयर्स आठ साल, माय मेरे, मतलब इस तरह जैसे उसने इस तरह से दिखाया, जैसे छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए जैसे करते हैं कोई, कि हे भगवान आठ साल की हो गई, मतलब जैसे बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई हो, चूँकि वो मजाक उड़ा रहा था, जैसे लड़की ने कहा था कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आठ साल की हूँ। तो द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, सम कुछ न्यू पैसेंजर्स, नए यात्री गॉट ऑन, चढ़े, एंड द कंडक्टर, और कंडक्टर गॉट बिजी, बिजी व्यस्त हो गया, फॉर ए टाइम, थोड़े समय के लिए, बस रुकी, कुछ नए यात्री बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ, डर से, लूजिंग खोने के, हर सीट अपनी सीट, बल्ली फाइनली, बल्ली अंत में सेट डाउन, बैठ गई, इस डर से कि अपनी सीट को ना खो दे, बल्ली आखिरकार बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन, एन एक एल्डरली बड़ी वुमेन, स्त्री, कैम आई एंड सेट और बैठ गई, बिसाइड हर उसके पास, एक बड़ी सी औरत आई और उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल एलोन, आर यू, क्या तुम ऑल एलोन, बिल्कुल अकेली हो, डियर प्रिय, तो क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्रिय, प्रिय मतलब प्यारे बच्चे या इस तरह के रूप में कहते हैं। सी आस्क्ड, उसने पूछा बल्ली, बल्ली से, एज द बस, जैसे ही बस स्टार्टेड अगेन, स्टार्टेड शुरू हुई, अगेन फिर से शुरू हुई यानी फिर से चली, जैसे ही बस फिर से चली, उसने बल्ली से पूछा कि प्रिय क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। बल्ली फाउंड, बल्ली ने पाया द वुमेन, स्त्री को, एब्सोल्यूटली पूरी तरह से, रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब घृणित, घृणित मतलब जिससे देखकर घृणा आए, तो बल्ली ने उस स्त्री को बिल्कुल घृणित पाया, यानी बल्ली को बिल्कुल घृणित लगी। सच बिग हॉल्स, सच इतने बिग, बड़े बड़े हॉल्स, छेद, सी हैड, उसके थे, इन हर ईयर लॉस, उसके कानों में, उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे, एंड सच, और इतनी अगली, अगली मतलब कुरूप से, गंदे से दिखने वाले ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स होते हैं जो बालियां पहनी जाती हैं कानों में, इन दैम उनमें, तो कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे और उनमें बहुत गंदी सी दिखने वाली, बहुत कुरूप सी बालियां थी। एंड सी कुड स्मेल, सी कुड, वह सकती थी स्मेल, गंध लेना, द बीटल नट, बीटल नट मतलब पान की, द वुमेन बाज च्यूइंग, वुमेन स्त्री बाज च्यूइंग मतलब चबा रही थी, एंड सी और देख सकती थी, द बीटल पान जूस जो रस, दैट वॉज जो था, थ्रेटनिंग धमकी दे रहा था, टू स्पिल ओवर, स्पिल ओवर मतलब उबल पड़ने की, निकल पड़ने की, हर लिप्स उसके होठों से, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, तो उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे और उनमें भद्दी सी गंदी सी बालियां पड़ी हुई थी, और वह उस स्त्री के पान खाने की गंध ले सकती थी, मतलब वो लड़की जो है, वो स्त्री जो आई थी, जो बूढ़ी सी औरत थी, वो मतलब पान खा रही थी और उसकी गंध उसको आ रही थी, और स्त्री
जो पान चबा रही थी तो उस वो देख सकती थी कि उसका रस, पान का रस किसी भी क्षण उसके होठों से निकल पड़ने की धमकी दे रहा था। धमकी दे रहा था मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसके मुंह में से पान का जूस बाहर निकल पड़ेगा। ऊ मतलब थोड़ा घृणा घृणा वाला शब्द है, ऊ उसने किया। हु कुड बी सोसेबल, हु कुड बी कौन हो सकता था, बी माने होना, कौन हो सकता था, सोसेबल सोसेबल मतलब सामाजिक है, विद सच ए पर्सन, विद साथ सच ऐसे ए पर्सन किसी व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक हो सकता था, यानी ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था। नहीं उसको वो इतनी खराब लगी, उसको जो है पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती थी। तो यस हाँ, आई एम ट्रेवलिंग, मैं हूँ ट्रेवलिंग यात्रा कर रही हूँ, एलोन अकेले, हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड, उसने आंसर्ड में उत्तर दिया, कर्टली, कर्टली मतलब रूखेपन से, उसने रूखेपन से उत्तर दिया, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड और आई हैव गॉट, मैंने लिया है ए टिकट, टिकट टू भी, और मैंने टिकट भी लिया है। तो उसने उसकी जवाब बात का वो जवाब दिया, यस हाँ, सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सी इज वह है ऑन हर वे अपने रास्ते पर, टू टाउन नगर के मतलब वो नगर की तरफ, शहर की तरफ जा रही है। हाँ, सैड द कंडक्टर, सैड कहा द कंडक्टर, कंडक्टर ने, कंडक्टर ने कहा कि हाँ इस शहर जा रही है विद ए 30 पैसे टिकट, विद ए 30 पैसे 30 पैसे के टिकट के साथ, 30 पैसे का टिकट के साथ मतलब इन्होंने जो है 30 पैसे का टिकट लिया है और ये शहर जा रही हैं। तो कंडक्टर ने बीच में जवाब दिया, ओ अरे व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये जो है कंडक्टर बार बार उसकी मजाक उड़ा रहा था, इसलिए फिर से वो क्या कहती है, व्हाई क्यों, डोंट यू माइंड, डोंट यू माइंड तुम क्यों नहीं करते हो हैं योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम, मतलब तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, किससे कहा, सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, जब उसने कंडक्टर ने कहा ना कि बीच में ये मैडम शहर जा रही हैं, इन्होंने 30 पैसे का टिकट लिया है, तो उसने कहा तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, व्हाट, लेकिन सी लाफ्ड, वह हंस पड़ी, ऑल द सेम इस बीच में, लेकिन इसी बीच वो मतलब ये कहने के साथ साथ वो हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर, और कंडक्टर भी लाफ्ड टू, भी हंसा है ना, वो हंस पड़ी और उसके साथ साथ कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमेन, लेकिन बट मीन्स लेकिन द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने बेंट ऑन, बेंट ऑन मतलब जारी रखा, विद हर अपने, विद मीन्स साथ अपने, हर माना अपने ड्राइवल, ड्राइवल माना बदतमीजी, तो बदतमीजी की जो बातें वो कर रही थी मतलब अपनी बदतमीजी उसने जारी रखी। इट इज इट प्रॉपर, इज इट क्या, इज मीन्स क्या है, इट ये प्रॉपर ठीक, फॉर सच इतने, फॉर मीन्स लिए, सच इतने ए यंग छोटे पर्सन व्यक्ति के टू ट्रेवल यात्रा करना अलोन अकेले, क्या ये, क्या एक इतने छोटे व्यक्ति के लिए, इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना ठीक है। डू यू नो, डू यू क्या तुम नो जानती हो एग्जैक्टली ठीक से, वेयर कहाँ, यू आर गोइंग तुम जा रही हो, इन टाउन नगर में, शहर में, क्या तुम्हें ठीक से पता है, क्या तुम ठीक से जानती हो कि शहर में तुम कहाँ जा रही हो। व्हाट इज द स्ट्रीट, व्हाट इज क्या है द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली, गली क्या है, गली मतलब इसका मतलब हो गया गली कौन सी है। व्हाट इज द हाउस नंबर, व्हाट इज क्या है द हाउस, मकान नंबर, मकान नंबर क्या है। यू नीडंट वदर अबाउट मी, यू तुम्हें नीडंट, नीडंट मतलब आवश्यकता नहीं है, बदर चिंता करने की, अबाउट मी मेरे बारे में, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन, मैं सकती हूँ, टेक केयर, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑफ माई सेल्फ अपने आप की, मैं अपने आप की देखभाल कर सकती हूँ, मैं मतलब मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, बल्ली सैड, बल्ली ने कहा। टर्निंग मुड़कर हर फेस, अपना चेहरा, अपना चेहरा मोड़कर टुवार्ड्स तरफ द विंडो, खिड़की की,
एंड स्टेरिंग आउट, स्टेरिंग मतलब टकटकी लगाकर देखना होता है, स्टेरिंग आउट मतलब अब बाहर बाहर देखते हुए मतलब है। तो बली ने कहा तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। और ये बल्ली ने अपना चेहरा दूसरी तरफ खिड़की के तरफ मोड़कर बाहर देखते हुए ये बात कही। ठीक, हर फर्स्ट जर्नी, हर उसकी फर्स्ट प्रथम जर्नी यात्रा, व्हाट कितनी केयरफुल सावधानी, पेन स्टेकिंग श्रमसाध, श्रमसाध मतलब मेहनत से, इलेबोरेट इलेबोरेट बड़ी बड़ी प्लान्स योजनाएं, सी हैड हैड टू मेक उसको बनानी पड़ी फॉर इट उसके लिए, उसकी प्रथम यात्रा, ये जो बस से जा रही थी वो ये उसकी प्रथम यात्रा थी और इसके लिए उसे बड़ी सावधानी से, बड़ी मेहनत से बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी पड़ी। कैसे, सी हैड थ्रिफ्टली, सी हैड थ्रिफ्टली, उसने थ्रिफ्टली मतलब बड़ी मितव्ययिता से, मितव्ययिता मतलब कंजूसी पूर्वक यानी बचा बचा करके, सेव्ड बचाया था, वट एवर जो भी कुछ, स्ट्रे क्वाइंस, स्ट्रे मतलब कभी कभार मिलने वाले कोई कोई क्वाइंस, सिक्के केम आते थे हर वे उसके रास्ते में, मतलब उसके पास, उसके पास आने वाले सिक्कों को उसने बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी मितव्ययिता से बचाया था, रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग मतलब विरोध कर दिया था, एवरी प्रत्येक टेम्पटेशन लालच का, टू बाय खरीदने के लिए, पीपरमिंट्स टॉयज खिलौने, बैलून्स गुब्बारे एंड द लाइक, और कुछ और इसी तरह से कुछ और चीज़ें। तो जो भी सिक्के उसके पास आते थे उनको उसने बड़ी मितव्ययिता से बचाया और प्रत्येक लालच को दूर भगा दिया, प्रत्येक लालच से, लालच का विरोध कर दिया। वो लालच क्या क्या थे, लालच जैसे पेपरमिंट का, खिलौने गुब्बारे या कुछ और खरीदने का जो बच्चे का लालच होता है, उन सब लालचों को उसने दूर कर दिया। एंड फाइनली, और अंत में, सी हैड सेव्ड, उसने बचा लिए ए टोटल ऑफ पूरे 60 पैसे 60 पैसे, और अंत में उसने पूरे 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफिकल्ट, कितना कठिन इट हैड बीन, यह रहा होगा, पर्टिकुलरली विशेष रूप से दैट डे, उस दिन एट द विलेज गांव के फेयर मेले में, यह कितना कठिन रहा होगा, विशेषकर गांव के मेले वाले दिन, गांव के मेला जिस दिन था उस दिन यह कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को हर चीज़ खरीदने की जरूरत मतलब इच्छा होती है, लेकिन उसने हर चीज़ को मना कर दिया। वट सी हैड रिजोल्यूटली, सी हैड रिजोल्यूटली, दृढ़तापूर्वक उसने स्टिफिल्ड दबा दिया ए स्ट्रॉन्ग तीव्र डिजायर, इच्छा को, टू राइड, सवारी करने की, बैठने की, मैरी गो राउंड झूले पर, इवन दो, हालांकि सी हैड द मनी, सी हैड उसके पास था मनी, पैसा, उसने झूले पर बैठने की तीव्र इच्छा को भी दृढ़तापूर्वक दबा दिया। झूले पर बैठने की बहुत बच्चों की इच्छा होती है, अधिकांश झूला झूलते ही हैं, तो उसने झूले पर बैठने की तीव्र इच्छा को भी दृढ़तापूर्वक दबा दिया, हालांकि उसके पास पैसे भी थे। देखिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी बच्ची इस तरह की, और सारी चीज़ों को, चाहे खिलौने हों, गुब्बारे हों, या झूले पर बैठने की बात हो, हर चीज़ को उसने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा पनप रही थी कि मुझे बस से यात्रा करनी है। और ये ऐसी चीज़ें थीं कि यदि घर पास में अपने पैसा हो तो बच्चा इस अपने आप को नहीं रोक सकता, लेकिन वो बड़ी दृढ़ निश्चय निकली। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर सी हैड एनफ, आफ्टर बाद सी हैड एनफ, उसके पास था पर्याप्त मनी, धन, सेव्ड बचाना, अपने पास पर्याप्त पैसा बचाने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, हर उसकी नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम, समस्या वाज थी हाउ टू कैसे स्लिप आउट, निकले बाहर निकले ऑफ द हाउस, घर के, विदाउट बिना हर उसकी मदर्स माँ के नॉलेज, ज्ञान यानी बताए। अपने पूरा पैसा बचा लेने के बाद उसकी अगली समस्या ये थी कि अपनी माँ को बिना बताए वो घर से बाहर कैसे निकले। बट लेकिन सी मैनेज्ड, सी उसने मैनेज्ड, मैनेज मतलब
प्रबंध कर लिया। दिस इसका विदाउट बिना टू मच अधिक डिफिकल्टी कठिनाई के, लेकिन इसका प्रबंध उसने बिना किसी कठिनाई के कर लिया। एवरीडे प्रत्येक दिन आफ्टर लंच, आफ्टर बाद लंच दोपहर के भोजन के, हर मदर उसकी माँ वुड नैप, वुड नैप, नैप मीन्स झपकी लेना यानी कि सोना। फ्रॉम अबाउट लगभग वन एक से एक बजे से टू फोर, फोर चार बजे तक और सो या इसी तरह। तो इसका प्रबंध उसने बिना किसी कठिनाई के कर लिया। उसकी माँ प्रत्येक दिन दोपहर के खाने के बाद एक बजे से चार बजे तक सोया करती थी, झपकी लिया करती थी, झपकी लेना मतलब सोया करती थी। बल्ली ऑलवेज, बल्ली हमेशा, यूज्ड प्रयोग करती थी दीज आवर्स, इन घंटों का, फॉर हर अपने एक्सकर्शंस, एक्सकर्शंस मतलब पर्यटन के लिए, पर्यटन क्या होता, देखने के लिए, पिकनिक करने के लिए, पिकनिक के लिए। एज सी स्टूड, जैसे कि वो सी स्टूड खड़ी हो जाती थी लुकिंग, देखने, फ्रॉम द डोर वे, दरवाजे से, ऑफ हर हाउस, अपने घर के। तो बल्ली हमेशा इन घंटों का प्रयोग पिकनिक के लिए करती थी, जैसे कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के देखती रहती थी, बाहर की तरफ देखती थी कि बस आती थी, कैसे कैसे लोग उसमें बैठा करते थे, हाँ। और समटाइम्स या कभी कभी, इवन भी, वेंचर्ड आउट, बाहर निकल जाती थी, इन टू द विलेज, गांव में, या कभी कभी वो बाहर गांव में भी निकल जाया करती थी उन घंटों के दौरान जब उसकी माँ सोई हुई होती थी। टुडे आज, दीज सेम आवर्स, दीज इन सेम, इन्हीं आवर्स, घंटों का, कुड बी यूज्ड, यूज किए जा सकते थे, फॉर हर उसके फर्स्ट, प्रथम एक्सकर्शन, पिकनिक के लिए, आउटसाइड, बाहर, द विलेज, गांव के। आज इन्हीं घंटों का प्रयोग वो गांव के बाहर अपने प्रथम पिकनिक यात्रा के लिए कर सकती थी। आज अपने इन्हीं घंटों का प्रयोग अपने गांव के बाहर अपनी प्रथम पिकनिक यात्रा के लिए वो कर सकती थी। द बस रोल्ड ऑन न्यू कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, द बस, बस रोल्ड ऑन, रोल्ड ऑन मतलब गुजरी, रोल्ड ऑन माना वैसे होता है लुढ़कना, लुढ़कते हुए चलना, जैसे पहिए उसके लुढ़कते हुए चलते हैं, तो गुजरी नाव कभी कटिंग अक्रॉस, कटिंग अक्रॉस मतलब एक टुकड़े से, बेयर नंगे, नंगे यानी खाली, लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है भूदृश्य, भूदृश्य मतलब भूमि का दृश्य, भूमि, भूमि मतलब भू, है ना, तो भूमि का मतलब भू, कटिंग अक्रॉस टुकड़ा, टुकड़ा यानी खंड, यानी कि भूखंड, बेयर यानी कि नग्न, नंगा यानी कि खाली। तो बस कभी एक खाली भूखंड से गुजरती, नाव कभी रसिंग थ्रू निकलती, गुजरती एक टिनी छोटे से हेमलेट गांव से, कभी एक छोटे से गांव से गुजरती, और या पास्ट पीछे छोड़ती एन ऑड विषम बेसाइड रास्तों की शॉप दुकानों को, या कभी रास्तों की विषम दुकानों को, विचित्र दुकानों को पीछे छोड़ती हुई निकल जाती। समटाइम्स कभी कभी द बस सीम्ड लगती ऑन द पॉइंट बिंदु पर ऑफ गॉबलिंग अप, गॉबलिंग मत अप मतलब निगलना, जल्दी जल्दी खाना, हाँ, एनोदर दूसरे, यहाँ खाने से मतलब नहीं है, यहाँ पर है निगलते हुए, निगलते हुए का मतलब हो गया टकराते हुए, एनोदर दूसरे व्हीकल वाहन से, दैट वाज कमिंग जो आ रहा होता टुवार्ड्स तरफ देम उनके, जो उनकी तरफ आ रहा होता, और या ए पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब पार करना द रोड रास्ते को। तो कभी कभी बस ऐसा लगता कि बस उनकी तरफ आ रहे वाहन से टकराने के बिल्कुल करीब है, टकरा जाएगी, या किसी रोड पार करने वाले पैदल चलने वाले व्यक्ति से टकरा जाएगी, कभी कभी ऐसा लगता। बट लो, लेकिन समहाउ किसी तरह इट पास्ट ये गुजरी ऑन स्मूथली, बड़ी ही स्मूथली मतलब सुचारू रूप से, बड़ी आसानी से, लेकिन बड़ी आसानी से ये आगे निकल जाती, गुजर जाती, लीविंग छोड़कर ऑल ऑब्स्टेकल्स सभी बाधाओं को, सेफली सुरक्षित बिहाइंड पीछे, लेकिन ये सभी बाधाओं को
पीछे छोड़कर सुरक्षित सुचारू रूप से आगे निकल जाती। ट्रीज पेड़ केम आते थे रनिंग दौड़ते हुए टुवर्ड्स देम उनकी तरफ, पेड़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आते थे। यदि हम कहीं यात्रा करें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आगे से पीछे की तरफ हमारी तरफ दौड़ के आ रही हों, जब क्योंकि हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो पेड़ हमारी तरफ दौड़कर आते हुए दिखाई देते। बट लेकिन देन स्टॉप्ड तब रुक जाते एज द जब बस पहुंचती देम उनके पास एंड सिंपली और साधारण रूप से सामान्यता स्टूड खड़े हो जाते देयर वहाँ हेल्पलेस मतलब निसहाय असहाय फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए बाय द साइड जब जिस तरफ ऑफ द रोड के बिफोर रशिंग दौड़ने से पहले अवे इन द अदर डायरेक्शन अन्य दिशा में। तो पेड़ जो उनकी तरफ दौड़कर आते हुए दिखाई देते थे वो दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले सामान्यता एक क्षण के लिए असहाय जब बस उनके पास पहुंचती थी तो खड़े दिखाई देते थे। जैसे कि जब बस आगे चली तो आगे से पेड़ हमारी तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बस आगे निकल जाती है तो पेड़ पीछे भागते दिखाई देते हैं। पर जब बस वहां उनके पास पहुंचती है तो एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि ये मतलब बस और वो दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, एक क्षण के लिए वो बिल्कुल असहाय दिखाई पड़ते थे। तो इसलिए लिखा है कि पेड़ हमारी तरफ दौड़कर आते हुए दिखाई देते थे लेकिन अन्य दिशा में दौड़ने से पहले, अन्य दिशा मतलब पीछे दौड़ने से पहले जब बस उनके पास पहुंचती थी तो सामान्यता एक क्षण के लिए वे असहाय खड़े दिखाई देते थे। सडनली अचानक बल्ली क्लैप्ड मतलब तालियां बजाई हर हैंड्स अपने हाथों से विद ग्ली प्रसन्नतापूर्वक। अचानक बल्ली ने प्रसन्नतापूर्वक तालियां बजाई मतलब तालियां बजाने लगी। ए यंग छोटी काओ गाय टेल ऊंच हाई ऊपर ऊंची इन द एयर हवा में। तो एक छोटी गाय जो कि हवा में अपनी पूंछ ऊपर किए वाज रनिंग दौड़ रही थी वेरी फास्ट बहुत तेज राइट बिल्कुल इन द मिडिल बीच में ऑफ द रोड रास्ते के। एक छोटी गाय जिसकी पूंछ हवा में थी वो रास्ते के बीचों बीच बिल्कुल बीच में बहुत तेज दौड़ रही थी राइट इन फ्रंट ऑफ द बस राइट बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ सामने द बस बस के बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड धीमी होकर टू ए क्रॉल मींस रेंगने तो बस धीमे होकर रेंगने लगी एंड द ड्राइवर और ड्राइवर साउंडेड बजाया हिज हॉर्न अपना हॉर्न लाउडली जोर जोर से अगेन एंड अगेन बार बार और ड्राइवर बार बार जोर जोर से अपना हॉर्न बजा रहा था। बट द मोर लेकिन द मोर जितना ज़्यादा ही हॉन्क्ड वो बजाता द मोर उतना ही ज़्यादा फ्राइटेंड भयभीत द एनिमल पशु बिकेम हो जाती। तो जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता उतना ही भयभीत वो पशु हो जाता यानी वो गाय उतनी ही ज़्यादा डर जाती। एंड द फास्टर और भी तेज इट गैलप्ड वो दौड़ने लगती ऑलवेज हमेशा राइट बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ सामने द बस के। जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता उतना ही डरकर वो पशु डर जाता और भी तेज दौड़ने लगता और हमेशा बिल्कुल बस के सामने दौड़ता यानी वो गाय हमेशा बस के सामने दौड़ रही थी। समहाउ किसी प्रकार दिस वॉज ये था वेरी फनी बहुत आनंददायक बहुत मजेदार टू बल्ली के लिए किसी प्रकार बल्ली के लिए बहुत मजेदार था। सी लाफ्ड वो हंसी एंड लाफ्ड और हंसी अनटिल जब तक कि ना देयर वर टीयर्स आंसू आ गए इन हर आईज उनकी उसकी आंखों में। वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ गए। हे लेडी अरे लड़की
हैवंट यू, देखो लेडी के, वैसे लेडी मीन्स मतलब स्त्री होता है, लेकिन चूंकि वो बच्ची है उसकी बात चल रही है तो उसके लिए हम यहाँ हिंदी में लड़की शब्द लगाएंगे। हैवंट यू लाव्ड, हैवंट यू क्या तुम नहीं चुकी हो, लाव्ड हंसना, एनफ काफ़ी, क्या तुम पर्याप्त नहीं, बहुत नहीं हंस चुकी हो, अरे लड़की क्या तुम बहुत हंस नहीं रही हो, बहुत नहीं हंस ली हो। कॉल्ड पुकारा द कंडक्टर, कंडक्टर ने, कंडक्टर पुकारा, कंडक्टर ने बोला अरे लड़की क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली हो। वेटर सेव, अच्छा होगा कि बचा लो, सम कुछ, फॉर टुमारो कल के लिए, अच्छा होगा कि थोड़ी सी हंसी कल के लिए बचा लो। एट लास्ट अंत में द काओ गाय मूव्ड ऑफ, मूव्ड ऑफ उतर गई द रोड, रास्ते से उतर गई, रास्ते से हट गई, अंत में गाय रास्ते से उतर गई। एंड सून, और जल्दी ही द बस केम टू ए, केम आई रेल रोड, रेलवे क्रॉसिंग पर, और जल्दी ही बस रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पैक ऑफ ए ट्रेन, ए स्पैक मतलब धब्बे के रूप में, धब्बा ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन का कुड बी सीन, देखा जा सकता था इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। तो जब कहीं का ट्रेन आ रही है और दूर से हम देखते हैं तो ऐसा एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, ऐसा बिंदु का पास धीरे 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 पास आता है, पूरी ट्रेन नहीं दिखाई पड़ती है। तो एक धब्बे के रूप में वो ट्रेन कुछ दूरी पर देखी जा सकती थी, ग्रोइंग हो रही थी, बिगर बड़ी, एंड बिगर और बड़ी, एज इट ड्रू नियर, एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे ड्रू खींची जा रही थी, नियर पास, पास खींच रही थी, मतलब जैसे जैसे पास आ रही थी। तो ट्रेन एक धब्बे के रूप में दूर से देखी जा सकती थी और जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे बड़ी भी होती जा रही थी। देन इट रश्ड, देन तब इट रश्ड, ये रश्ड मतलब दौड़ी, भागी यानी निकली, पास्ट, पास्ट मीन्स पीछे छोड़कर, द क्रॉसिंग गेट, क्रॉसिंग गेट मतलब रेलवे क्रॉसिंग, विद ए ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब भारी, तेज रोर दहाड़, एंड रैसल, रैसल मतलब बहुत खड़खड़ करती हुई, शेकिंग हिलाते हुए द बस, बस को, तब यह क्रॉसिंग गेट को पीछे छोड़ती हुई, बस को हिलाती हुई, बहुत भारी, बहुत तेज दहाड़ और खड़खड़ करती हुई आगे निकली। देन तब द बस बेंट, तब बेंट ऑन चली, तब बस चली, एंड और पास्ड गुजरी द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन से, तब बस चली और रेलवे स्टेशन से गुजरी। फ्रॉम देयर वहाँ से इट ट्रेवर्स्ड, इसने पार किया, ए बिजी एक व्यस्त, बेल लेड आउट, बेल अच्छी तरह से लेड आउट सजी हुई शॉपिंग दुकानों की स्ट्रीट गली, अच्छी प्रकार से सजी हुई दुकानों वाली गली, अच्छी प्रकार सजी हुई मतलब सुसज्जित दुकानों वाली गली से। एंड टर्निंग और मुड़कर एंटर्ड प्रवेश किया ए वाइडर एक चौड़े थ्रूफेयर रास्ते पर, तो उसके वहाँ से इसने एक व्यस्त सुसज्जित दुकानों वाली गली को पार किया और मुड़कर एक चौड़े रास्ते पर प्रवेश किया। सच बिग इतना बड़ा, ब्राइट लुकिंग, ब्राइट लुकिंग चमकीले दिखने वाली शॉप्स दुकानें, इतनी बड़ी बड़ी चमकीली दिखने वाली दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग कितने चमकीले डिस्प्लेस दिखने वाले ऑफ कप क्लॉथ्स, कपड़े कितने चमकीले दिखने वाले कपड़े, एंड अदर मर्सेंडाइज अन्य बिक्री की वस्तुएं, अन्य बेचने वाले सामान, कितने चमकीले दिखने वाले कपड़े और अन्य बिक्री के सामान। सच बिग क्राउड्स कितनी, सच इतनी बिग, बड़ी बड़ी क्राउड्स, भीड़, इतनी बड़ी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब ये जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है इनके बाद में, तो इसका मतलब आश्चर्य के साथ वो इन बातों को कह रही थी।